हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर। इसे आप किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। हमने सांभर बनाने के लिए लौकी, पेठा, सोयाबीन की फलियां तथा 3 हरी मिर्च को लिया है। 1 कटोरी अरहर की दाल को धोकर प्रेशर कुकर में डाल दें। 1 लीटर पानी डाल दें। 1 कटी हुई सब्जियां भी डाल दें। अब इसमें नमक तथा हल्दी को भी डाल दें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आपको दाल में पानी कम लगता है तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 4-5 विसल आने तक गैस पर रख दें। सांभर का मसाला तैयार करने के लिए 3 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच राई, 2 कटे प्याज, करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सांभर मसाला, थोड़ी इमली को घोलकर उससे इमली का पानी तैयार कर लिया है। अब गैस पर पैन रखकर उसमें सरसों का तेल डालकर गरम करें। अब इसमें राई डाल दें। राई भुनने के बाद इसमें 2 कटे प्याज डालकर भून लें। प्याज को हिलाते रहें। प्याज को बहुत ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो ये सूख जाएंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दें। करी पत्ता डालकर भून लें। लाल मिर्च पाउडर तथा काली मिर्च पाउडर डाल दें। सांभर मसाला भी डाल दें और साथ में इमली का पानी डालकर गैस को बंद कर दें। इडली बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी दही, 1.5 कटोरी सूजी, 1 पैकेट इनो, चुटकी भर मीठा सोडा, 1/2 चम्मच नमक लिया है। अब एक बाउल लेकर उसमें सूजी डाल दें, उसमें दही भी डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसमें नमक डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करके
अब इस मटेरियल को 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इडली स्टैंड के बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। बर्तन में तेल लगाने से इडली बर्तन में चिपकेगी नहीं। इस तरह सारे बर्तनों को तेल लगा दें। इडली स्टैंड के बर्तन में एक गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। इडली बनाने के लिए जो मटेरियल तैयार करके रखा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इनो तथा मीठा सोडा डालकर मिक्स कर दें। अब इस मटेरियल को इडली स्टैंड के बर्तनों में डाल दें। मटेरियल को इस प्रकार सभी बर्तनों में लगा लें। मटेरियल के स्टैंड को गर्म पानी के बर्तन में रख दें, ऊपर से ढक्कन लगा दें। 2-3 मिनट बाद चाकू से देख लें, अगर मटेरियल चाकू पर नहीं लग रहा तो इडली बन चुकी है। सांभर की दाल जो बनने के लिए रखी थी वह भी बन चुकी है। सांभर की दाल के लिए जो मसाला बनाकर रखा है अब इसे दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। सांभर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच सोया सॉस का डाल दें। इससे सांभर का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब हमारा सांभर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इडली स्टैंड ठंडा हो चुका है, अब इसमें से चाकू की सहायता से इडली निकाल लें। अब ये हमारे इडली और सांभर बनकर खाने के लिए तैयार हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और हमारे चैनल फ्रेश फ्रूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर दबा देना, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।